हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए शॉर्ट्स बनाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कपड़े का टुकड़ा है और इससे मैं लगभग 10 साल के बच्चे के लिए हाफ पैंट बनाऊंगी। ये एक शर्ट में से बचा हुआ टुकड़ा था। तो अगर हमको कपड़ा खरीदना है तो हम 90 सेंटीमीटर कपड़ा भी खरीद लेंगे तो उससे भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा पैंट बन जाएगा। तो इस कपड़े की चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 26 इंचेस इसकी चौड़ाई है और इस कपड़े की लंबाई फ्रेंड्स ये 29 एंड हाफ इंचेस इसकी लंबाई है। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले ऐसे लंबाई की तरफ से एक बार, ये आप देख सकते हैं, एक बार मैंने इसको ऐसे मोड़ा बराबर से, इसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे और उसके बाद एक बार ऐसे इस टाइप से हम इसको मोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पैंट की नाप जो है 34 इंच हिप का और 15 इंच लंबाई का ये पैंट हमको बनाना है। तो हमको जिस भी बच्चे के लिए पैंट बनाना हो सबसे पहले हम उसकी हिप नाप लेंगे। हमको जितनी भी हिप होगी, जैसे मेरे को 34 इंच हिप का पैंट बनाना है तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 34 इंच का निशान कहाँ पर है। तो इसको हम टेप का दूसरा सिरा एक बार यहाँ पर रखेंगे और फिर एक बार और ये, और इसको एक ऐसे हम दबा लेंगे। ये इसका चौथा भाग, 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका चौथा भाग निकल आता है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखेंगे कि ये पहली बार कहाँ पर बैंड हुआ है। तो ये पहली बार 8.5 इंच पर बैंड हुआ है और इसमें हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया 10.5 इंच। तो फ्रेंड्स, ऊपर से हमको नाप लगानी होती है हिप का चौथा प्लस 2 इंच। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये जॉइंट वाला पार्ट है और इधर ये ओपन वाला पार्ट है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम एक निशान यहाँ पर 10.5 इंच पर ऐसे लगा लेंगे और फिर उतना ही निशान 10.5 इंच का हम एक यहाँ भी लगा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से 10.5 इंच पर हम एक और निशान लगा लेंगे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से ऐसे हम मिला लेंगे जिससे यहाँ पर एक बॉक्स टाइप बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो इसलिए मैंने पूरा मेजरमेंट यहाँ से लिया है, क्योंकि हम बेल्ट का कपड़ा अलग से जोड़ेंगे, इसी में हम फोल्ड नहीं करेंगे। और हमको जितनी लंबाई लेनी हो, मैं बताना भूल गई थी, ये 14.5 इंच लंबा है। इसमें से 1.5 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे, 1.5 पे ऐसे, और 1.5 इंच कपड़ा नीचे से हमारा ऐसे मुड़कर फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम नापेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 13.5 इंच आ गया। और 2 इंच की हम ऊपर बेल्ट लगा लेंगे तो हमारी लंबाई 15 और 15.5 के बीच आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने ऊपर जो है बेल्ट लगाना था तो मैंने यहाँ से पूरा मार्किंग किया है, इसमें से कपड़ा मैं फोल्ड नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये एक बॉक्स टाइप बन गया है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स हम 2.5 इंच पर 2.5, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक, इसको ऐसे सीधा ऐसे मिला दूंगी, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मैं ऐसे राउंड शेप दे दूंगी। अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच पर ऐसे निशान लगा कर भी राउंड शेप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इतना हमको नीचे मोड़ना है तो यहाँ पर हमको इतना मोड़ना है और यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछाई इस टाइप से अपने पैंट की दे लेंगे ये। और अब जो है इसको हम ऐसे कट करेंगे क्योंकि मोड़ने के बाद ये हमारा ऐसे इस पर आ जाएगा। और अब जो है हम इसकी कटिंग ऐसे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने कर दी है, ये आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, हमको जिसके लिए भी पैंट बनानी होती है, जिस बच्चे के लिए भी, सबसे पहले हम उसकी हिप की नाप ले लेंगे और पैंट हमको कितनी लंबी चाहिए हम उसकी लंबाई नाप लेंगे। उसके बाद अगर हमको ऊपर मोड़ कर उसमें इलास्टिक लगाना है तो यहाँ से 2 इंच कपड़ा फ्रेंड्स हम 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। और अगर हमको अलग से कपड़ा जोड़कर बेल्ट बनानी है तो हम
सीधे यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे। तो मैं मुझे बेल्ट लगानी है तो मैंने यहाँ कपड़ा नहीं मोड़ा है, और नीचे की तरफ फ्रेंड्स हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पैंट की लंबाई हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स हम हिप का चौथा भाग निकालेंगे और उसमें 2 इंच और ऐड कर लेंगे। हिप का चौथा भाग निकालने के लिए मैंने आपको इंची टेप से पहले ही बता दिया है, और उसके बाद उतना ही लंबाई का हम यहाँ भी कपड़ा नापेंगे और यहाँ से यहाँ भी, और एक चौकोर बॉक्स हमारा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ये बॉक्स में से यहाँ तक फ्रेंड्स हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी हम गोलाई कर देंगे और फिर इस टाइप से हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा कपड़ा ज्वाइंट था तो इसको भी कट करके मैंने अलग कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पैंट की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके लिए भी हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए फ्रेंड्स हमको 5 इंच चौड़ाई का और इतनी लंबाई का कपड़ा कट करना है। ये डबल है तो ये आप देख सकते हैं ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है बेल्ट के लिए। इसकी चौड़ाई फ्रेंड्स ये 5 इंच है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये 5 इंच चौड़ा है। और इसकी लंबाई फ्रेंड्स हम ऐसे निकालेंगे, ये 21 है, इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे, ये इस टाइप से ये डबल हो गया। और उसके बाद इसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये 43 इंचेस हो गया। तो 43 इंचेस लंबाई का 5 इंच चौड़ाई का कपड़ा हम बेल्ट के लिए कट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम इसमें स्टिचिंग चला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई मैंने कर दी है और अब हम इसको ऐसे इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं ये दोनों सिलाई एक साथ ऐसे लगाते हुए इसको ऐसे रखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी पैंट है। उसके बाद यहाँ से हम फ्रेंड्स ये नापेंगे, इसका मिडिल पार्ट हम निकालेंगे ऐसे, ये 10 इंच है। तो इस टेप को हम ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये इसका हाफ हो गया, और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 5 इंच लंबी इस टाइप से हम एक प्लेट दे देंगे, क्योंकि ये बॉयज़ की पैंट है और इसमें प्लेट बहुत अच्छी लगती है इस टाइप से। और इसी टाइप से हम इधर भी प्लेट दे देंगे, और ये आधे आधे इंच की प्लेट, हमको ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं देनी है, बहुत पतली। ये डॉट्स हम यहाँ पर ऐसे बना देंगे दोनों तरफ। और फ्रेंड्स ये डॉट्स बनाने के बाद ये जो मैंने निशान लगाया था इस कपड़े को मोड़ने के लिए नीचे वाला पार्ट, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच पर ये निशान मैंने लगाया था, तो इसको हम इस टाइप से ऐसे और ऊपर से थोड़ा सा और ऐसे पकड़कर इसको भी फ्रेंड्स हम मोड़कर सिलाई चला देंगे। तो फ्रेंड्स ये डॉट्स आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ मैंने बना दी है, और अब जो है ये नीचे ये जो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया था ये दोनों पैर में हम इस कपड़े को ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे मोड़ेंगे। और अगर हम चाहें तो इसको प्रेस चला दें तो ये एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। और इसको ऐसे मोड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़कर इस पर हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए इस टाइप से सिलाई चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये मोड़कर मैंने ये सिलाई चला दी है, और इसी टाइप से इसमें का भी। और अब हमको क्या करना है कि ये हम ऐसे बराबर से पकड़ेंगे ये, और यहाँ से ऐसे इसको भी हम सिलकर ज्वाइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई मैंने कर ली है और इसको मैंने पलट कर सीधा कर दिया है, और अब जो है इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये मेरी बेल्ट थी, इसको हम ऐसे रख के नापेंगे ये बराबर से, ये आप देख सकते हैं, और इसको हम निशान लगा लेंगे। और ये दोनों हमारा अलग है तो इसको हम निशान लगाकर जितना चौड़ा ये हमारा पैंट है उतनी ही चौड़ाई इसकी लेकर इसको हम पहले यहाँ से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने ये आप देख सकते हैं बेल्ट को अटैच कर दिया है, और फिर अटैच करने के बाद ये हमारी पैंट का सीधा वाला पार्ट है और ये बेल्ट का जो है उल्टा वाला पार्ट है। और इसको हम इसमें ये आप देख सकते हैं मैंने पिनअप किया है, इसमें ऐसे पकड़कर हम इसको पूरा आगे से पीछे तक
ये पूरा इसमें ये कपड़ा अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें अटैच कर दिया है ये इस टाइप से आगे से पीछे तक पूरा। और अब जो है मैं इस पैंट में आगे की तरफ बेल्ट लगाऊंगी और पीछे इलास्टिक लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स बेल्ट बनाने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले कमर नाप लेंगे कि जिसके लिए भी हम पैंट बना रहे हैं उसकी कमर यानी वेस्ट कितना है। तो हमको 31 इंच कमर का ये पैंट मैं बना रही हूँ। हम जितनी भी इंच की कमर बना रहे हों हम नाप लेंगे, उसके बाद उसका हम हाफ करते हैं। तो ये 31 का निशान पे ये हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे और ये इस टाइप से हमको पता चल जाएगा इसका आधा। यहाँ पर हम प्रेशर डालेंगे और खोलने पर ये 15.5 इंच आया, यानी इसकी कमर का आधा जो है 31 इंच का आधा 15.5 15.5 इंच आया। तो 15.5 इंच का ये बकरम मैंने कट कर लिया है और हमको जितनी चौड़ी बेल्ट लगानी हो ये लगभग 2.25 इंच, 2 से थोड़ा सा कम है, इतनी चौड़ाई का ये बकरम मैंने कट किया है। और फिर इस बकरम को हम ऐसे डबल करेंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे जिससे इसका मिडिल पार्ट ये हमको पता चले। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो सिलाई मैंने की है ये वाली सिलाई एकदम इसके पास हम इसके मिडिल पार्ट को ऐसे मिलाते हुए ऐसे फ्रेंड्स इस टाइप से ऐसे रखेंगे और फिर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। और अगर हमारा बकरम पेस्टिंग वाला नहीं है तो इसको हम पिनअप भी कर सकते हैं, और पिनअप हम इसको दूसरी साइड से करेंगे इस टाइप से अंदर की तरफ से, क्योंकि जब हम इसको पलट कर सिलें इस टाइप से तो पिन हमारी बाहर की तरफ रहें और हम आसानी से उसको निकाल सकें। और फ्रेंड्स बाकी पार्ट में हमको इलास्टिक लगाना होता है। तो जितना हमारा ये बकरम है, जैसे इसका आधा पार्ट हो गया बकरम, ये आप देख सकते हैं 31 का हाफ 15.5 आया, तो इलास्टिक हम उसने में से जितना आधा इसका हुआ उसमें से 3 इंच कम कर देंगे और उतना बड़ा ही इलास्टिक हम पीछे अटैच करेंगे। तो ये इलास्टिक आप देख सकते हैं, ये मेरा 12.5 इंच लंबा ये इलास्टिक है। तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद इस इलास्टिक को यहाँ से रख कर यहाँ सिलाई ऐसे चला देंगे और इसका दूसरा सिरा फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसे सिलाई चला देंगे और उसके बाद इस कपड़े को हम ऐसे मोड़ मोड़ कर सिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रबड़ है और यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई चलाकर हम जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने 2-3 बार सिलाई चला दी है और ये रबड़ का दूसरा सिरा हम ऐसे घुमाते हुए इधर से लाएंगे इसके पीछे से ऐसे, और ये इस तरफ यहाँ पर इसके दूसरे सिरे पर हम इसको रख के उसी टाइप से 2-3 बार सिलाई चला देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इलास्टिक को अटैच किया और फिर इधर से लाकर मैंने इधर इलास्टिक अटैच कर दिया। और अब हमको क्या करना है कि इसको हम इस टाइप से रखेंगे और ये कपड़ा, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। ये मैंने मोड़ा एक बार और उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे, और फिर इसको हम ऐसे मशीन पर ऐसे रखेंगे और इसके किनारे किनारे हम सिलाई इस टाइप से चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप से ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बेल्ट बनती जा रही है और फिर जब ये इलास्टिक शुरू होगा तो हम इसको भी ऐसे अंदर की तरफ इसको सही करते जाएंगे और उसी टाइप से कपड़े को ऐसे मोड़ करके, ये आप देख सकते हैं, जैसे हम आगे सिलाई चला रहे थे उसी टाइप से हम इस पर भी ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स सिलते सिलते जब ये इलास्टिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये कपड़ा हमारा ज़्यादा बचा रहेगा, तब हम इसको इलास्टिक को धीरे धीरे, ये आप देख सकते हैं, ऐसे खींचेंगे और कपड़ा उधर पीछे की तरफ सरकाते जाएंगे। और ये देखिए इलास्टिक हमारा लंबा हो गया और फिर हम इसको उसी टाइप से ऐसे मोड़ कर फिर इसको सिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये बेल्ट जो है पूरा लगकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो ऐसे इलास्टिक को खींचते हुए इस पर हम ऐसे सिलाई भी चला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं,
ये इस टाइप से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पैंट आप देख सकते हैं ये बन गई है, और इधर पीछे इलास्टिक पर मैंने यहाँ पर खींचकर मशीन चला दी है, जिससे ये आपस में अच्छे से पकड़ लिया है। और यहाँ ऊपर बेल्ट पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिलाई चला दी है, और एक सिलाई मैंने यहाँ भी चला दी है, जिससे ये बकरम भी कायदे से अंदर पकड़ लिया है कपड़े में। और फ्रेंड्स, यहाँ नीचे भी मैंने एक सिलाई और चला दी है, जिससे ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बॉयज़ पैंट बहुत अच्छी आगे से और पीछे से भी ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट्स बनाना कितना आसान था। हम किसी भी नाप की शॉर्ट्स बहुत ही आसानी से इस वीडियो से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।